राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी का बढ़ रहा है दबदबा। अब तो सचिन पायलट भी भाटी के फैन हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा आज केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। बड़े बड़े नेताओं से उनकी तुलना की जा रही है। यहां तक कि भाटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेता के प्रचार के लिए खुद मोदी तक को आना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भाटी आज कहां स्टैंड करते हैं। और अब लीजिए ना, खुद भाटी के फैन कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट हो गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी इस बार राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी है और कांग्रेस की तरफ से उम्मेदाराम बेनीवाल है। लेकिन लोगों का कहना है कि भाटी की जीत पक्की है, इसलिए इस सीट पर खूब सियासत हो रही है। रविंद्र भाटी के फैन हुए सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में दो चरणों के तहत सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सबसे हॉट सीट बाड़मेर है, जहां से भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बात की है। द रेड माइक से सचिन पायलट ने खास बातचीत की। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। भाटी को लेकर सचिन पायलट कहते हैं, रविंद्र नौजवान है, उन्होंने चुनाव ताकत से लड़ा, लेकिन लोग जानते हैं कि हमें देश में सरकार बनानी है। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मुद्दा नहीं है, सरकार बनाने के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग इसको ध्यान में रखकर वोट करते हैं। और बाड़मेर में भी ऐसा ही हुआ है। अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने इशारों उचारों में भाटी की तारीफ कर दी है, उनकी ताकत की तारीफ की है। अब वो दूसरे पार्टी के हैं, ऐसे में खुलकर तो कुछ बोल नहीं सकते पायलट, लेकिन भाटी की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए और इशारों इशारों में ही तारीफ कर दिया। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भाटी के फैन तो हो गए हैं। आगे सचिन पायलट ने बड़ा दावा भी किया। बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल भारी बहुमत से जीतेंगे। बाड़मेर में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। बाड़मेर में बीजेपी की जमानत जब्त हो सकती है। यहाँ भले ही सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, लेकिन ये भी कहा है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर आएगी, यानी भाटी दूसरे नंबर पर आएंगे। यानी सचिन पायलट ये मान रहे हैं कि भाटी की ताकत कम नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने आगे कहा, हमने प्रदेश में अच्छा चुनाव लड़ा है और कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जोधपुर कोटा के अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां टफ फाइट है। प्रचार के दौरान हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। फिलहाल बात रविंद्र सिंह भाटी की करें तो उनकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि भाटी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भोकाल ऐसा कि अभी जब भाटी को धमकी मिली थी तो उन्हें तुरंत सिक्योरिटी तक प्रोवाइड कराई गई थी। फिलहाल जिस तरह से भाटी की तारीफ सचिन पायलट ने की है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको रविंद्र सिंह भाटी का दमदार भाषण सुनाते हैं कि कैसे लोग उनको सुन रहे हैं और सुनने के लिए बेताब है। सुनिए। ये तमाम 36 कौम रे भाइयों रो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर लेता हूँ। और ये 50 डिग्री रे टेम्परेचर रो बिना मजबूती बिना घरा रहे आप सबारो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कोड़ा नारा लगाता पड़ेगा, आप जो कोड़ा नारा लगाता पड़ेगा, मेरी गूंज जयपुर और दिल्ली तक जा पड़ी धन्यवाद। साथियों, कल चुनाव के दौरान तमाम जो ये चीजें करी प्रशासन के लोगों द्वारा और चंद असामाजिक तत्वों द्वारा जो माहौल खराब करने का प्रयास करियो, जो चुनाव में मीना विघ्न घातन हुआ प्रयास करियो, क्योंकि वह ना था आती लोकसभा रो चुनाव पूरी तरीके मीना वो हार रहा था और वहां हर बोतला हट रहा मीना ए तमाम काम करया। कल हर बोतला ना देखे कई सारा काम करया।
माहौल खराब करने का प्रयास करे, तरीके तरीके हुआ बात करी, कई सारा नेता तो जार धरने माते बैठा ताकि लोगों ने यह लगे कि साहब मैं तो राजा हरिश्चंद्र पर हुआ ना कांकर का कि लोग धारी असलियत जाना है ते ओई जो जगह बाड़ में या तमाम लोगों ना ठग जेड़े उपाध्याय दे रहा है।